जगन्नाथष्टकं पुण्यम्। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने सोचा जो संबलपुर हम गए थे तो वहाँ से हमने क्या शॉपिंग किया वो आपको दिखा दिया जाए। आज काफ़ी दिनों से सोची हूँ कि दिखाऊँ बट काफ़ी काम होता है घर में, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए कि क्या क्या लाया था। वैसे कुछ चीज़ें यूज़ कर ली हमने बट फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको दिखाऊँ। तो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी ये कॉफ़ी मग, ये ब्लैक कलर का मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने एक नहीं ये दो लाए हैं। और बहुत क्लासी सा लग रहा था मुझे ये, तो मैंने बोला कि ये मैं यूज़ कर लूँगी। और एक्चुअली मैं ये एक ही लाने वाले थे बट बाय वन गेट वन फ्री था, इसीलिए इसे भी ले आए। तो इसीलिए ये दो कॉफ़ी मग। और जूस ग्लासेस, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, थोड़ा सा यूनिक है, आप देख सकते हो, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। आप सोच रहे होंगे कि मतलब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, बट यार अब तो आप लोग अब मेरी फैमिली जैसे हो गए हो, तो सब कुछ शेयर करना आपके साथ अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट रहती है कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूँ मैं, मतलब कुछ भी करती हूँ तो। और एक बहुत ही फ़ायदे वाले जो ऑफ़र बोल सकते हो, तो वो हमने ये ख़रीदा है बर्तन साफ करने का, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, एक हमने यूज़ कर लिया है तो इसमें 12 थे और ये ओनली 99 रुपीज़ का था। तो मुझे सबसे सस्ता और प्यारा और टिकाऊ यही वाला प्रोडक्ट लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे। और आपको थोड़ा पता नहीं मैं ये कैसे दिखाऊँ आपको, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट फिर भी आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं अपने पापा के लिए ये सैंडल लेके आई हूँ और ये उन्होंने ही चूज़ किया है बट कलर मैंने चूज़ किया है। आप कमेंट करके बताइए कलर कैसा लग रहा है। मुझे अपने पापा के लिए ये अच्छा लगा तो मैं ये ले ली। और एक मेरी मम्मा के लिए मैंने ये स्लीपर्स लिए हैं, तो ये वाला है वो, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पॉन्जी सा है और अच्छा लग रहा था मुझे तो ये लिया है। ये मेरे मम्मा के लिए, हाँ देख लीजिए, इसका कलर भी प्यारा है, मतलब मरून कलर है ना, तो मम्मा लोगों में ये ज़्यादा सूट करता है। मम्मा लोगों को पता ही है आपको रेड मरून इस टाइप का कलर अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को तो खास मरून बहुत पसंद है, तो इसीलिए हमने ये कलर चूज़ किया था। तो ये हो गया एक, और एक मिनट में दूसरा चप्पल भी लेके आती हूँ, दूसरा ले आई मैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये स्लीपर है, थोड़ा सा स्पंजी टाइप का है और काफ़ी कंफर्टेबल है और क्लासी भी लग रहा था ये। सिल्वर कलर में है ना, तो काफ़ी रॉयल सा लुक आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स आप ये कुर्ती देख सकते हो, ये मेरी दीदी के लिए है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमें कहीं ना कहीं ये येलो ग्रीन हमारे पास कुछ ज़्यादा ही होंगे, पता नहीं क्यों हमें येलो ग्रीन ही पसंद आता है, तो ये वाला काफ़ी अच्छा कुर्ता लग रहा था। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा पहन के दिखाती हूँ आपको, पहन के तो नहीं मतलब ऐसे ये करके दिखाती हूँ। आउच, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और
वाली दीदी के लिए हम ये लेके आए हैं, उसे थोड़ा इस टाइप का कुर्ती पसंद है। आप देख सकते हैं कि ज्यादा लॉन्ग नहीं है तो काफी अच्छा लगा। इसका कॉलर चाइनीज कॉलर है तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे चाइनीज कॉलर बहुत पसंद है तो काफी अच्छा था ये। और ये आप देख सकते हो, ये मेरे भाई के लिए लेके आए हैं। वैसे तो ये कॉटन का है बट जीन्स मटेरियल में है और काफी अच्छा लग रहा था ये। आज मेरी दीदी येलो पहन रखी है, वो बोल रही थी कि मुझे येलो कलर पसंद आता है। मैंने उसे बोला है कि मेरी दीदी मतलब मेरी बड़ी दीदी, उसे भी येलो पसंद है, मुझे भी येलो पसंद है, अब फाइनली पापा को भी येलो पसंद आने लगा है। सी तो ये वाला मेरे पापा ने चूज किया है और ये उनके लिए है, तो मेरे पापा भी येलो येलो डर्टी फेलो बनने वाले हैं ये। और एक ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये हमारा लेने का प्लान नहीं था बट इसका जो प्रिंट है उसे देख के हमने ले लिया। काल भैरव देख के हमने ये सोचा कि इसे ले लेते हैं, काफी अच्छा लगा ये, कोई भी पहन सकता है, ऐसे पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं लिया है। ये चाहूँ तो मैं पहन सकती हूँ, मेरी दीदी पहन सकती है, कोई भी पहन सकता है, तो ये एक्स्ट्रा में लिए हैं। और मेरे पापा ने ये कलर भी चूज किया था उनके लिए, तो ये प्लेन सा है, कुछ वर्क नहीं हुए, यहाँ पर थोड़ा सा कढ़ाई हो रखा है बस ये। और ये वाला भी मेरे पापा ने पसंद किया है, ये भी ठीक है। और मुझे एक चीज बिल्कुल नहीं समझ में आई जो कि ये है यार, ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर ठीक है पापा को पसंद आया वो पहनेंगे। तो हमने इतने ही शॉपिंग किया था और आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपको क्या पसंद आया। और अब मैं जा रही हूँ, मुझे बना लूंगी, शाम हो चुका है, चाय पी लेंगे। लॉकडाउन के बाद कितनी सब्जी महंगी हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया। अब देखो सबके काम भी बंद हो गए हैं, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है और बहुत प्रॉब्लम चल रहा है यार हमारे देश में ना, बहुत बुरा हाल है अभी। बट कोई नहीं, बस यही उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब सही हो जाए तो सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और यार सबका काम रुका हुआ है और इवन आपको पता होगा मैं भी अभी घर में ही हूँ, मुझे भी ऑफिस से कॉल आ रहा था पहले, उसके बाद अब आना बंद हो गया है ऑफिस से, ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं, तो देखते हैं। घर वाले भी सबके डरे हुए हैं और मेरे घर वाले तो स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं अभी कहीं नहीं जाना है आपको, चाहे आप जॉब छोड़ो चाहे कुछ छोड़ो, लेकिन आपको घर में ही रहना है अभी ये जो सिचुएशन है। तो पहले पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मना कर दे रहे हैं, अभी कहीं जाने नहीं देंगे, तो बुरा तो लगा पहले पहले, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है तो हमें अपनी फैमिली की बात सुन लेनी चाहिए, माननी चाहिए। तो मैंने फिर अपना प्लान चेंज किया और मैं सोची कि अब घर में ही रहते हैं और जो जॉब हो या फिर कुछ है तो वो आगे देख लेंगे, आगे जब सिचुएशन बेहतर हो जाएगी तब वापस से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर दूसरी जगह सर्च कर लेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एयरलाइंस में काम करती हूँ और अभी एविएशन का जो हालत है, मतलब अभी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पे पड़ा है तो वो एयरलाइंस डिपार्टमेंट है। तो भाई मेरा पैसा लेके गया वो बता रहा है, तो
एविएशन इतना इफेक्ट हुआ है इस कोरोना से, और होटल तो यार काफी डिफिकल्टी बढ़ गई है, मतलब पैसेंजर के लिए, स्टाफ के लिए, पूरा कंट्री मतलब अजीब सा सिचुएशन हो गया है। किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोगों के साथ ऐसे होगा, कि ऐसा कुछ हो सकता है, सबकी जॉब चली जाएगी अचानक से, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मैं देख रही हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, वो फोन करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो काफी डिफिकल्टीज हैं, बट अभी उस सबको पार करना है, हमें काम डाउन रहना है और बहुत कामली हर चीजों को हैंडल करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे कि खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, तो आप अपने एरिया वाइज थोड़ा सा ध्यान रखें हर किसी का, किसी को कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो आप उनके हेल्प करें और सपोर्ट करें, हमारा देश को आगे बढ़ाएं। ये ना होए कि किसी को एक एक वक्त के खाने के लिए वो मतलब परेशान रहें, या फिर कि कोई प्रॉब्लम उन पर बड़ी आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मतलब अगर हम लोग हम सब मिलके नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दूसरा देश का आके हमारे देश के बारे में तो नहीं सोचेगा ना। तो हम अपने देश के सिटीजन है यार, हमारे से देश बना है तो हमें ही हमारे देश को बचाना है ना। तो प्लीज यार, सबको सपोर्ट करें, अपने एरिया वाइज ध्यान दें थोड़ा सा। और आज काफी अजीब अजीब न्यूज़ सुन ली मैं, तो मेरा मन भी थोड़ा खराब सा है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा पता है। लेकिन एक चीज काफी अच्छी है कि जब ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ना, तो मुझे काफी रिलीफ फील होता है कि मैं जो सोचती हूँ, मैं जो फील करती हूँ, ये बता पा रही हूँ आप सबको, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी रिलीफ मिल जाता है उससे। तो जब आप सब परेशान होते तो आप सब क्या करते हो, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। हाँ, और देखती हूँ चाय बन पी लेती हूँ, शायद थोड़ा सा रिलीफ मिले। धन्यवाद। पता नहीं क्यों अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, शायद चाय पीने के बाद अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।